निसर्ग तूफान से मुंबई तो लगभग बच गई, लेकिन मुंबई के पास रायगढ़ में इस तूफान का कहर बुरी तरह से टूटा है। नुकसान को देखकर लग रहा है कि इससे उबरने में काफी लंबा वक्त लगेगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरुड और अलीबाग के बीच निसर्ग तूफान का लैंडफॉल हुआ था। इस 40 किलोमीटर के इलाके में तूफान के चलते हुई तबाही से उबरने में लोगों को लंबा वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को यहां का जायजा लिया। जिला प्रशासन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फायर ब्रिगेड, NDRF के जवान तूफान के निशान मिटाने में लगे हैं, पर तबाही इतने बड़े पैमाने पर है कि हर जगह प्रशासन का पहुंच पाना तक संभव नहीं है। एक और घर, एक और पेड़, बड़ा सा पेड़ घर पे गिरा हुआ है जो चक्रवाती तूफान आया था उसमें, और घर तहस नहस हो गया। सिर्फ घर ही नहीं, इनकी जिंदगी, इनकी उपजीविका पर क्या असर हुआ है इसके बारे में पूछते हैं। नुकसान क्या, जितने भी पेड़ है ना नारियल सुपारी के, उसमें से कम 40% या 45% तो पेड़ गिर गए हैं पूरे के पूरे। तो इस पर ही निर्भर थे, इस पर ही उपजीविका थी आपकी? हाँ, इसी पर है, इसी पर है, नहीं तो और क्या करेंगे। कितना कमाई होती थी सालाना इससे बेच के? या ऐसा इसका तो बोल नहीं सकती, क्योंकि नारियल को तो हम लोग मराठी में जो कल्पवृक्ष बोलते हैं ना कोकण का, तो उसके हर चीज का तो फायदा होता है, मगर उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। अभी हम लोगों ने जितना भी कमाया है 20-25 साल में, वो पूरा चला गया। साल की आमदनी जो है ये दो सुपारी और नारियल से जो होती थी वो नहीं होगी? नहीं होगी, अभी नहीं होगी, अभी कम से कम 2 या 4 साल तक तो कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। इस इलाके में ज्यादातर लोग सुपारी और नारियल की खेती करते हैं, जिसे तूफान ने तहस नहस कर दिया है। यहाँ पे नुकसान यानी 3-4 जनरेशन से जो कोकोनट और सुपारी का झाड़ सेव किया था, और जिसके ऊपर गुजारा होती थी, वो गुजारा पूरा झाड़ सुपारी सब हो गया, अभी गुजारा कैसे करेंगे। इतना आमदनी कितनी होती सालाना? सालाना आमदनी वैसा नहीं बता सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द रेनी सीजन, और वो होते हैं अंदाजे, फिर भी 50-60 हजार के ऊपर होता है। तकरीबन 1.5-2 लाख? या अभी पूरा ही गया या पार्शली नुकसान हुआ? पार्शली 10% भी झाड़ रहा ही नहीं तो नुकसान तो पूरा ही हो गया ना। ये कि पिछले 3 महीने में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन था, उसका भी असर हुआ? उसका तो बहुत असर हुआ, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग नारियल निकालने के लिए जो आते थे वो कोई आए नहीं, तो बहुत सा नारियल ऐसा ही गिर गया जो हम बेच नहीं सकते थे, क्योंकि कोई आता नहीं था शॉपिंग करने और सब के लिए, और बाद में आया है तो उसका भाव नहीं है, तो कोरोना के वजह से तो पूरा नुकसान ही नुकसान है। उसके ऊपर ये निसर्ग का साइक्लोन आ गया, वो नुकसान है, अभी हम जिए तो कैसे जिए। और मोदी जी बोलते हैं रिटायर हो, गांव चले जाओ, वो सब है, तो गांव आके ये हो गया, अभी कहां जाएंगे। 2 लाख के आसपास तो आ ही जाता था साल का, तो अभी पूरा नुकसान हुआ है कि इसके अलावा हमारे पास कुछ ये नहीं है। कोंकण का ये इलाका एक टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे थे। कोरोना की वजह से वो ठप पड़ गया, और रही सही कसर निसर्ग तूफान ने पूरी कर दी। रायगढ़ से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।